हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मैं बता रही थी कि आज हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं बनाऊँगी वाइट बटर, गोल्डन घी यानी कि शुद्ध देसी घी, और साथ में बनाऊँगी गाजर का हलवा। जो सारी चीज़ें हमने मलाई से बनाई है, मलाई जो दूध के ऊपर आती है उसको चार पांच दिन का इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरीके से उसको स्टेयर करके उससे हम बटर बनाएंगे। अगर दूध के अंदर मलाई रहती है तो आजकल बच्चे उसे पीते नहीं हैं, छलनी से छानते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर है कि उसको पहले ही उतार लिया जाए और चार पाँच दिन की इकट्ठा करके उससे बटर बना लिया जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो उसे हमेशा फ्रिज में रखें। अगर मलाई बाहर रहेगी तो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं, कड़वा होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से स्टेयर करके उसको बटर बनाना है। आप हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप हाथ से भी इस तरीके से उसको घुमा घुमा के बना सकते हैं। मैं तो चम्मच से ही बना लेती हूँ, आराम से बन जाती है। पहले थोड़ा मलाई पतली सी हो जाती है, फिर थोड़ा सा थिक हो जाती है, जिसमें चम्मच घुमाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, और उसके बाद सॉफ्ट हो जाती है, मतलब दूध और बटर अलग अलग होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 5 मिनट में ये सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा बटर अलग हो गया है, दूध अलग हो गया। अब इस दूध को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, बटर को अलग कर लेंगे। बटर को हम धो के रखेंगे ताकि उसमें स्मेल नहीं हो। तो ये देखिए, साइड में इकट्ठा करते जाएंगे और फिर उसको दूध को निकाल लेंगे बाहर। एक बर्तन में दूध को डालेंगे। और एक चीज़ का मैं एक छोटी सी टिप आपको बताना चाहूँगी कि जब किसी भी बर्तन में आप दूध डालते हैं तो उसमें एक घूंट पानी डाल के उसे गीला कर लें, अदरवाइज दूध जो है वो नीचे जमना शुरू हो जाता है। हमने ये अलग कर लिया है और इस दूध से हम बनाएंगे गाजर का हलवा। चलिए पहले बटर को पूरा करते हैं। अब ये बटर बन गया, इसको दो बार मैंने धो भी लिया है और ये बटर बहुत ज़्यादा है तो इतना मुझे नहीं चाहिए। 2 दिन का बटर मैं अलग करूँगी और बाकी जो बचेगा उससे मैं बनाऊँगी घी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर शुद्ध देसी घी है तो वो दवाई का काम करता है। घी खाना बहुत ज़रूरी है, वो हमें 10 बीमारियों से बचा सकता है। और अगर लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि शुद्ध होना चाहिए। और पहले हम लोग जब छोटे थे इतना घी खाते थे, आजकल पता नहीं क्या है, ये कमर्शियली किसी किसी चीज़ का इतना मार्केटिंग कर देते हैं और घी को हमारी थालियों से गायब कर दिया है। घी हमारी प्लेट में वापस ज़रूर आना चाहिए। तो ये मैंने जो बचा हुआ बटर था जो मुझे नहीं चाहिए था उसका मैंने घी बना लिया है। गर्म किया है इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और कंटिन्यूसली स्टेयर किया है ताकि वो नीचे जले नहीं। जब इस तरीके से इसमें आपको झाग दिखने शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये बनके तैयार हो गया। फ्लेम बंद करें और जब हल्का गर्म हो, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, तभी इसको सेपरेट करके और अपना एक कंटेनर में जमा करके रख लें। आपका घी तैयार हो गया। इसमें गोल्डन करने के लिए कोई आपको हल्दी वल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये दूध आते हैं इसमें गाय का मिक्स होता है, ये गोल्डन कलर खुद ही हो जाता है। तो ये नंबर 2 हमारा बन गया, जो न्यूट्रिशियस घी, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत बीमारियों से हमें बचा सकता है। स्किन में ग्लो ला सकता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी किडनी के लिए इवन ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, मॉडरेशन जो में खाना चाहिए, ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत अंधाधुंध नहीं खाना चाहिए कि हेल्दी है तो बहुत ज़्यादा खा लिया। हाँ, मॉडरेशन में खाएंगे तो हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। अब बनाएंगे गाजर का हलवा। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 गिलास दूध निकला है तो मैं 1/2 kg उसके लिए गाजर ले रही हूँ। धो के और उसको ग्रेट कर लिया। बारीक वाला ग्रेटर मैंने लिया है क्योंकि दूध कम है ना, तो इसलिए मोटा ग्रेट नहीं करना, नहीं तो पकेगा नहीं। ग्रेट करके और इसको जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे ही इसको बना लेना है। और बस आपकी तीनों चीज़ें जो डिलीशियस चीज़ें हैं वो बनके तैयार हो गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी घी की। घी के लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि घी के फ़ायदे क्या। आज मैं घी बनाना बता रही हूँ, आप घी बना के तैयार रखिए
और फिर जब मैं फ़ायदे बताऊंगी उसको कैसे यूज़ करना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके, मैक्सिमम वो आपके काम आ सके। तो अभी बना रहे हैं गाजर का हलवा, इसको इसमें डाल दिया, गरम किया और थोड़ा बहुत अगर इसमें बटर भी बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, वो टेस्ट ही आएगा, उसको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते हुए उबालते जाएं जब तक कि दूध जो है वो अच्छे से सूख नहीं जाए। अब इस ये दूध जो है गर्मियों में तो हम इससे दही भी बना लेते हैं या पनीर बना लेते हैं, और सर्दियों में गाजर का हलवा बनाते हैं जो दूध ऐसे बचता है उससे। इसमें गाजर है और दूध है, दूध में मैक्सिमम कैल्शियम होता है, गाजर में विटामिन ए होता है जो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर जो है ब्लड के लिए बहुत अच्छी होती है, तो और क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं बचा हुआ है तो ये फैट फ्री आपका गाजर का हलवा बन रहा है, तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी होगा। इसमें आप जब ये आधा पक चुका होता है तो उस टाइम पर एलमंड डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं अगर चाहें तो। और ये देखिए जो घी बनाते टाइम जो बाकी नीचे जो बच गया था थोड़ा सा दूध का जला हुआ सा, वो भी मैंने इसी में मिला दिया है कि उससे भी वो एक्चुअल में वो मावा होता है, दूध का जो नीचे बचता है घी में वो मावा होता है और इसमें मिलाने से टेस्ट बढ़ जाता है। बस हमारा हलवा बन गया है। अब इसमें डालना है हमने गुड़, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालूं, जैसे मैंने बताया ये बहुत हेल्दी बनने वाला है तो इसमें मैंने चीनी यूज़ नहीं की है, गुड़ यूज़ किया है। और गुड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसको इसमें मिला दिया, 2 मिनट और चलाएंगे और हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून घी मिला सकते हैं जिससे ये थोड़ा क्रिस्प हो जाए, नहीं चाहें तो भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये गरम गरम परोसें, आपका जो शुरू में मैंने बटर बनाया है, बटर के साथ आप खाएं आलू का पराठा और उसके साथ स्वीट डिश में लें आप ये गाजर का हलवा, अरे वाह क्या मज़ा आ जाएगा। और जब आपको इस स्वाद के साथ आप खाएंगे तो मुझे याद ज़रूर करना, क्योंकि मुझे तो बोलते बोलते इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे अभी पका के अभी खा लिया जाए। हाँ तो ये देखिए बटर, ये देखिए गाजर का हलवा और साथ में घी। तो आई होप ये इतना आसान तरीका, इतना हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस तरीका आपको पसंद आएगा। आप इसको बना के देखिए, बनाने में मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है और तीनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि घी आप बना के रखिए, घी के बहुत सारे फ़ायदे मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ करें कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।